नत्वाजिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय जैन सिद्धांत प्रवेशिका का दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है। पहला अध्याय द्रव्यनियोग का विषय था, द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन जिसमें आता है वह द्रव्यनियोग होता है, जिसमें सामान्य विशेष गुण देखे, अनुजीवी प्रतिजीवी गुण देखे और भी व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, स्वभाव विभाव ये सब हमने देखा। मति श्रुत अवधि मन परे केवल ज्ञान का भी थोड़ा सा स्वरूप देखा, उनके विषय देखे। ये द्रव्यनियोग का प्रकरण था। दूसरा अध्याय पूरा कर्णानियोग का प्रकरण है। वैसे आप देखेंगे बिल्कुल इसका समापन के 10-12 पेजेस नक्शे वो भी कर्णानियोग, लेकिन दोनों कर्णानियोग में यह अंतर है कि दिस इज ये कर्म फिलोसॉफी है और वह पूरी भौगोलिक चर्चा है। समझ में आता है? करण के दो अर्थ होते हैं। करण का एक अर्थ परिणाम होता है, तो परिणामों के निमित्त से जो कर्म है वो 148 कर्म प्रकृतियों की चर्चा हमने करी और कर्णानियोग में भूगोल भी आ जाता है। तो एक प्रकार से मैथमेटिक्स तो हमने देख लिया अभी, कैसे उसका कितना स्थिति होगा, कितना अनुभाग होगा, कितना आबादा काल होगा, ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट कर्मों का हिस्सा कर्णानियोग। और जो अंतिम नक्शे है जम्बुद्वीप कैसा, तीन लोक कैसा, आपका भाव होगा तो मैं ये प्रकरण इसके बाद प्रारंभ कर सकूंगा जिसमें आपको तीन लोक की विषय वस्तु बताई जाएगी। जम्बुद्वीप देखेंगे, विचार करेंगे। तो ये हमारा प्रकरण कर्णानियोग का चल रहा है, दूसरे अध्याय का, जिसमें हमने 10 करण की चर्चा की है, जिसमें 10 करण में कल हमने उपशांत निदत्ति निकाचित देखे। ये बताया उपशांत इज नॉट उपशम, और निदत्ति निकाचित के लिए मैंने बोला था कि जिसमें उदीर्ण और संक्रमण ना हो वह निदत्ति, दृढ़तर कर्म ये भी एक देश कथन है, और जिसमें उदीर्ण संक्रमण के साथ साथ उत्कर्षण अपकर्षण का भी कोई अवसर नहीं हो, निकाचित फल देकर ही छुट्टी है उनकी, भले पुण्य हो पाप हो कुछ भी प्रकृतियां हो, ये कल हमने देखी। निकाचित में वैसे निदत्ति शामिल हो ही जाती, इसलिए जो निकाचित प्रकृतियां है वे निदत्ति प्रकृतियां तो है ही। आज हमको केवल 5 प्रश्न देखने हैं, ये 271 से लेकर 275 तक का आज हम अध्ययन करेंगे। ये 5 प्रश्न आप सबके सामने होंगे, सब यहाँ पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बहुत सरल विषय वस्तु है आज की, और कल की फिर से उपयोग देना पड़ेगा आपको। कल का हालांकि मैं पूरा बोर्ड पर बनाऊंगा, वो इंटरेस्टिंग भी होगा, नया जरूर होगा, कठिन जरूर होगा, समझ में सबको आएगा और इंटरेस्टिंग होगा कल का। आज का तो बहुत सरल है। देखिए मैंने आपको कहा था, याद होगा आपको, हमने अगुरु लघुत्व गुण देखा था। मैंने ये कहा था अगुरु लघुत्व गुण के निमित्त से प्रत्येक गुण की पर्याय में षटगुण हानि वृद्धि होती है। याद आ रहा है, हमने चार्ट भी बनाया था षटगुण हानि वृद्धि का, संडे के दिन सामूहिक क्लास में मैंने लिया था। अच्छा, ये कुछ 4-5 बच्चे नहीं थे सासने वाले, राइट? हाँ, ये संडे के दिन नहीं लिया था मैंने, चार्ट दिखाया था। अच्छा, फिर बाद में भी थोड़ा लिया था, बराबर। तो षटगुण हानि वृद्धि मैंने कहा था, शक्ति के अंश घटते बढ़ते हैं,
याद आ रहा है आपको? तो देखिए अभी, तो कर्म ये द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, इनमें भी अगुर लघुत्व गुण होता है, जिसके निमित्त से इनमें भी शक्तियों का घटना बढ़ना होता है, शक्ति के अंश घटते बढ़ते रहते हैं। शक्ति के अंश इज इक्वल टू अविभागी प्रतिच्छेद इज इक्वल टू भाग, ये तीनों पर्यायवाची लिख लो आप। शक्ति का अंश इज इक्वल टू अविभागी प्रतिच्छेद इज इक्वल टू इंडिविजिबल पार्ट और इज इक्वल टू एक भाग अंश। अविभाजी और भाग ये परस्पर विरोधी लग रहे हैं, लेकिन पर्यायवाची है ये, इस प्रसंग में आप समझ रहे होंगे सब। अविभाजी इसलिए कह रहे और दूसरा भाग नहीं होगा, ये फाइनल पार्ट है ये भाग का। आप समझ रहे बात को? प्रश्न ये उत्पन्न होता है किसके शक्ति के अंश है ये कर्म की फलदान शक्ति का अंश है, अनुभाग उसका, अनुभाग। मैंने आपको थोड़ा ये उदाहरण जैसे दे दूं, अभी पहले तो काफी दिए हैं मैंने, जैसे घी में उदाहरण दिए थे मैंने, दूध में उदाहरण दिया था, जैसे बकरी का दूध है, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, तो इसमें फैट की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो मैंने कहा था अनुभाग शक्ति बढ़ती है, फल देने की शक्ति, शक्ति के अंश बढ़ रहे हैं, डिग्री बढ़ रही है। याद आ रहा है आपको? उसमें जो अंश है, भाग है फैट के, वो भाग अंश बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कर्म में भी ऐसा अनुभाग, उसकी फलदान शक्ति, शक्ति के अंश निरंतर घटते बढ़ते रहते हैं अगुरु लघुत्व गुण के कारण। अब और थोड़ा यहां पर समझिए कि क्या मैंने आपको यह बताया था कि जब भी स्कंद होना होता है, आप लिख लो पहले चाहो तो लिख लो, फिर मैं बात करूंगा। जब भी, ये तो रिपीटेड चर्चा है, पहले काफी चर्चा की है मैंने इसकी, जब भी स्कंद होना होता है, दो परमाणु आमने सामने आए, दो परमाणु, तो कौन सी परिस्थिति में उनका स्कंद होगा? ये मैंने आपको लिया था क्या? नहीं लिया था, नहीं लिया था, नहीं। देखो सुनो, अभी अभी क्या हुआ, मुक्ति ने मुझे एक डाउट पूछा था एक दिन, Mg प्लस O2 सुनो, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू क्या, ये क्या प्रोडक्ट देगा, ये पहली बात। तो प्रोडक्ट वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, ये बात पक्की है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में MgO होता है कि MgO2 होता है कि MgO3 होता है कि और कुछ होता है, ये दूसरा विषय है, क्योंकि ये कौन डिसाइड करेगा, कि हम तुम डिसाइड नहीं कर सकते इसको, तो फिर इसकी केमिकल रिएक्शन करा के देखो आप। तो एक मैग्नीशियम वो एक ही ऑक्सीजन को लेता है, दुगना रखा वहां पर O2 रखा तो भी MgO2 ना बनेगा, वो MgO ही बनेगा। फिर दूसरी स्टेप ये है कि आप फिर इक्वेट करो, इक्वेशन बनाओ, तो इक्वेट करने के लिए तो आप, ये ऑक्सीजन 2 है तो आप वो फिर क्या करेंगे, फिर आप 2MgO करेंगे, 2MgO के पीछे Mg2 हो गया, तो यहां पर Mg2 कर दो। इक्वेशन बाद में करना, पहले तो ये नक्की करना कि प्रोडक्ट क्या निकलेगा इसमें से, नहीं तो फिर जुगाड़ लगाने के चक्कर में Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO2 लिखो, अरे पूरे केमिस्ट्री में MgO2 नाम की चीज ही नहीं है, केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलान वाटर नहीं है, क्यों, हाइड्रोक्साइड भी तो हो सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन दुगुनी मात्रा में H2 और ऑक्सीजन एक मात्रा में, ये जब भी होगा तो ये वाटर होगा, आप समझ रहे मेरी बात को। इसलिए H2 प्लस O2, O तो सीधा नहीं मिलाया जा सकता, O2 ही रहता है एनवायरमेंट में, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, इक्वेट बाद में करते बैठना तुम,
आप सब समझ रहे मेरी बात को? ये कैसे डिसाइड होगा? ये तो वैलेंसी से डिसाइड होता है, किसकी वैलेंसी कितनी। तो कोई एक उच्चार के साथ मैच खाते, जैसे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला लिखते हैं आप? CHCl3, ऐसा है क्या? मुझे भी याद वाद कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही जुगाड़ लगा रहा हूं। CHCl3, तो आप कहते क्लोरोफॉर्म मतलब C, एक चाहिए कार्बन, एक हाइड्रोजन और क्लोरोफॉर्म, तीन तिगुना ये होगा तो ही वो होगा। देखो मैं थोड़ा बताऊं आपको अच्छे से। कोई आदमी डॉक्टर के पास गया, बोले पेट बहुत खराब चल रहा है। हाँ वो तो है ही खराब कह रहे, उसमें अच्छा कब चलना है, पेट तो मलमूत्र की खाने खराबी है और क्या। नहीं बोले ऐसा नहीं डॉक्टर साहब, पेट साफ नहीं होता। कह रहे पेट तो साफ होता ही नहीं। नहीं बोले साहब हम ऐसा नहीं कहना चाहते, ये कोई जैन धर्म की अपेक्षा बात नहीं है हमारी, हम तो मेडिकल साइंस की अपेक्षा बात है। अच्छा अच्छा बोलो बोलो क्या बात है। बोले ये है कि पेट साफ नहीं होता। तो कह रहे इसमें क्या, आप एक काम करना, आंवला बहेड़ा और बोलो मुक्ति, आंवला बहेड़ा और हर, ये तीन चीजें ले लेना। सुनो मैं और एक बात कहूं आपको। तो फिर उसने क्या, आंवला खा लिया, फिर हर कुटने बैठ गया, फिर आधे घंटे के बाद हर खा ली, फिर बहेड़ा कुटने बैठ गया, एक हद दो घंटे के बाद सोचा मैं नींद में से उठने के बाद बहेड़ा खा लूंगा, फिर बहेड़ा खा लिया। अब उसका होगा क्या इलाज? उसको त्रिफला चूर्ण कहते बेटा, त्रिफला मिक्सचर। और समझो बहुत अच्छी बात मैं बताऊंगा आपको, ये इसका इतना रहस्य है, मैं ज्यादा नहीं जानता आयुर्वेद का, आपको थोड़ा बता रहा हूं। 1:2:4 ये यदि मात्रा में लोगे आप इसको, तो रेचक का काम करता है, मल झाड़ता है पूरा, साफ करेगा पेट। और यदि इसकी मात्रा 1:1:1 यदि रखी जाए, तो फिर ये सिर दर्द मिटाना आदि ये काम करता है। मुझे कहना क्या है इस प्रसंग में, कौन बताएगा? बोलो संदेश, मुझे इस प्रसंग में क्या बोलना है? बोलो भाई बोलो, प्रोपोर्शन का महत्व मुझे बताना है। बैठो, क्या बताना है मुझे? प्रोपोर्शन का, 1:2:2 बराबर प्रोपोर्शन में चाहिए, बराबर रोटी बनानी है तो सब अमान्य नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे तुम? साहब आटा लिया हमने इतना, तो नमक भी बराबर से लेंगे, ठीक है फिर खाना तुम अकेले रोटी, हम दूसरी जगह विचार करते हैं। और रोटी बेलना बनेगी तुमको हरेक चीज में, आपको रोटी बनानी है, पूड़ी बनानी है, आपको पता होना चाहिए कितने आटे में कितना नमक ही नहीं, कितने आटे में कितना नमक और कितना पानी। आपको पूड़ी बनानी है, पानी कम डालना पड़ेगा आपको, ज्यादा डालेंगे वो रोटी जैसा वो नहीं चलेगा, पूड़ी बनानी है तो कम पानी डालना पड़ेगा। तो एक एक चीज में आपको गोल्ड का ऑर्नामेंट बनाना है, कोई क्या कहते उसको, ऑर्नामेंट कहते ना कोई चीज, क्या कहते उसको, क्या कहते उसको, ऑर्नामेंट क्या, आर्गुमेंट क्या होता है वो, मैं ज्यादा अंग्रेजी नहीं समझता, वो क्या क्या पहनते कान में नाक में, ऑर्गुमेंट ऑर्गन, ऑर्गुमेंट ऑर्नामेंट क्या होता है, ऑर्नामेंट ठीक है, ऑर्नामेंट ठीक है। देखो तो ये आभूषण पहने जाते हैं, अब उसमें भी एक नियम है, जैसे आपको नेकलेस बनाना है, ब्रेसलेट बनाना है, कंगन कुछ भी आपको बनाना है, उसका रेशो सेट है कि गोल्ड जैसे होगा 22 कैरेट, मतलब वे लेंगे 90% गोल्ड, 5% कॉपर, 5% ब्रास, तभी वो बनेगा। आप 100% गोल्ड लेंगे नहीं चलेगा वो, नहीं बिगड़ जाएगा। और डायमंड की रिंग्स बनानी है, मैंने एक बार बोला था मुक्ति आपको, डायमंड की रिंग बनानी है तो उसको 22 कैरेट गोल्ड नहीं चलेगा। जिसमें डायमंड जड़ना है ना, आपको जड़ना समझते, जड़ना, तो उसमें 18 कैरेट गोल्ड चाहिए और इम्प्योर। क्यों? उसमें सिल्वर ज्यादा चाहिए,
मतलब 60% गोल्ड से ज्यादा नहीं ले सकेंगे आप वहां पर, 60-65 ज्यादा नहीं, 10-15% सिल्वर लेना पड़ेगा, 10-15% कॉपर लेना पड़ेगा। क्यों? अरे फिर डायमंड वो पकड़ नहीं पाता, फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी यदि लानी हो तो वो बाकी की चीजें चाहिए उसमें ड्यूरेबल बनाने के लिए। मोल्डिंग गोल्ड मोल्ड नहीं हो सकता, मोल्ड बाकी के मेटल्स होते हैं। कितने जन बात समझ रहे? मैं ये कह रहा हूं कोई भी चीज बनानी है प्रोपोर्शन चाहिए आपका, प्रोपोर्शन 1:2:4, 1:1:1, 1:1:2, ऐसे प्रोपोर्शन में ही वो बात जुड़ती है। मुझे तो अभी कुछ कहना है, प्रोपोर्शन मतलब इस प्रसंग में शक्ति का अंश, अविभागी प्रतिच्छेद। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, एक परमाणु दूसरे परमाणु से यदि मिलना हो, स्कंद होना हो तो कैसे होगा? तो मैंने कहा था आपको कि देखो ये आमने सामने खड़े दो परमाणु, अभी इसमें स्पर्श गुण की स्निग्ध रुक्ष पर्याय है। मैंने कभी पढ़ाया था इसको आपको, स्निग्ध रुक्ष पर्याय नहीं पढ़ाया? तो मैंने एक देखो अभी अभी बता रहा हूं, जैसे इसके स्निग्ध के दो अंश है और सामने स्निग्ध के चार अंश है, तब जाकर वो यूनियन होगा, उनका स्कंद होगा। ये नक्की है, प्लस टू का डिफरेंस चाहिए शक्ति के अंश में, कितना? प्लस टू का, एक शर्त। दूसरी शर्त यह है कि शक्ति का अंश यदि एक होगा तो यूनाइट नहीं होगा किसी के साथ। यह परमाणु की खासियत है, परमाणु में यदि स्निग्ध हो या रुक्ष हो, उसका यदि एक ही शक्ति का अंश हो, बस वो दूसरे परमाणु के साथ जुड़ेगा नहीं, वो स्कंद रूप नहीं ही होगा। एक तो कम से कम दो चाहिए और सामने वाले के साथ प्लस टू का डिफरेंस चाहिए। पकड़ रहे आप सब बात को? कितने जन पकड़ रहे बात को? मैं तो ये कह रहा हूं देखो अभी क्या होता है, सुनो अभी समझो सब। दो परमाणु है सामने, आमने सामने, उसमें हुआ क्या कि ये मैंने पढ़ा नहीं था क्या आपको कभी? हाँ पढ़ाया था मैंने ये आपको, उसके अंदर ऐसा तो नहीं मैंने दूसरे बैच में किसी को पढ़ाया हो, मैंने वहां पर पढ़ाया हो वाशिम में। चलो अभी अभी आपको पता चलेगा मैंने पढ़ाया कि नहीं, और बढ़ता हूं। देखो दो परमाणु है, वो एटम है दोनों, ये कब मॉलिक्यूल होंगे? तो इसमें ये रहस्य है, जैसे इसके स्निग्ध, इसकी स्पर्श की कोई पर्याय है, बाकी की कोई गुण मत लो, रस गंध वर्ण मत लो आप भी, क्योंकि जितना मिलना बिछुड़ना होता है वो स्पर्श के कारण होता है। क्या बोला? पकड़ रहे आप? देखो वो सीमेंट है ना, सीमेंट, वो सीमेंट अपने दीवार पर फेंकी और वो चिपक गई, तो चिपकना उसके ठंडे गर्म के कारण हो सकता है? नहीं। ये जो चिकनी हो उसके कारण हो सकता है? बिल्कुल इसके कारण होता है। तो स्पर्श के ठंडे गर्म हल्के भारी के कारण यूनियन नहीं होता, स्पर्श गुण के स्निग्ध रुक्षत्व के कारण यूनियन होता है उनका। समझ रहे हैं आप? ध्यान दो अभी यहां पर, मुझे जो कहना है, मुझे ये कहना है ये दो परमाणु आमने सामने है, अब उसमें इसका भी स्पर्श गुण लो, इसका भी स्पर्श गुण लो, इसके स्पर्श गुण का अविभाग प्रतिच्छेद एक है और इसका अविभाग प्रतिच्छेद पांच है सामने वाले परमाणु के स्पर्श गुण की पर्याय का। इसके भी स्निग्ध के अंश है एक और उसके भी स्निग्ध के अंश है पांच, तो इनमें अभी बॉन्ड नहीं होगा तैयार, और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे तो इनका बॉन्ड आपको दिखेगा। तो मेरा प्रश्न है ऐसा कैसे हो गया बॉन्ड? वो ऐसा हो गया क्योंकि इनका एक जो अंश है शक्ति का अंश वो स्थायी तो है नहीं और इसका पांच भी स्थायी तो है नहीं, क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेद का घटबढ़ निरंतर होता रहता है, शक्ति के अंश निरंतर घटते बढ़ते रहते। क्यों? क्यों? अगुरु लघुत्व गुण के कारण। तो अभी देखो मान के चलो, अभी थोड़ा ये भी पांच था तो ये भी घटकर चार हुआ,
और ये बढ़कर दो हुआ, प्लस टू हो गए, बस इसका बॉन्ड बनेगा अभी, आप सब समझ रहे। और बॉन्ड तब तक बना रहेगा जब तक प्लस टू का डिफरेंस रहेगा, यदि प्लस टू का डिफरेंस घटा बढ़ा उनका बॉन्ड टूट जाएगा वहां से, ठीक है। अभी सब मेरी तरफ ध्यान देंगे, वो तो मैंने वैसे ही बता दिया। अभी जो मूल प्रकरण पढ़ाना है वो अभी मैं चालू करूंगा। देखो ये कोई परमाणु है, अनंत गुण है उसमें, अनंत गुणों का जो पर्याय है उन समस्त पर्यायों में शक्ति के अंश घट बढ़ रहे हैं। अभी स्पर्श को छोड़ बात को, अभी कोई बंध की बात नहीं करनी हमको। अवगुरु लघुत्व गुण के परिणमन के निमित्त से शक्ति के अंश का घटना बढ़ना, षटगुण हानि वृद्धि हरेक गुण की पर्याय में चलती रहती है, चलती है। अभी देखो दो परमाणु को हमने सामने करो, तो परमाणु में कोई रस गुण है तो उसके अविभाज्य प्रतिच्छेद पांच हुए, और मान के चलो उसी समय ये परमाणु के भी अविभाग प्रतिच्छेद रस गुण के पांच हुए, समान समान हो गए, पकड़ रहे आप? नहीं, पहले और एक बात करूं मैं, एक परमाणु ही लो अभी, परमाणु में अनंत गुण है तो अनंत गुण के शक्ति के अंश घटने बढ़ने के काल में क्या ऐसे कोई दो गुण हो सकते हैं कम से कम जिसके शक्ति के अंश समान हुए हो? नहीं समझे बात को। स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत गुण है एक द्रव्य में, सबके शक्ति के अंश घट बढ़ रहे हैं, घटते बढ़ते बढ़ते कभी ऐसा होगा क्या कि स्पर्श का शक्ति का अंश हो गया 25 और उसी समय रस का शक्ति का अंश हो गया 25, ऐसा हो सकता है? हो सकता है क्या? आपको क्या लग रहा है, संभावना क्या लग रही है, मुक्ति आपको क्या लग रहा है, बोलो, हो सकता है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं अनंत गुण में से भी अनंत गुण ऐसे होंगे जिनका अविभाग प्रतिच्छेद समान हुआ शक्ति के अंश, पकड़ रहे अभी सब? शक्ति का अंश समान हुआ हो ऐसे अनंत गुण हो सकते हैं। तो शक्ति के अंश समान समान उनका अपन एक एक यूनिटी बनाओ, यूनिटी बनाओ मतलब इनके समान हो गए तो उस अपेक्षा से हम कहेंगे परमाणु को वर्ग। मैं अभी आ रहा हूं फिर से, आप लिखना हो लिख लो, फिर रुको, मैं अच्छी बात कह रहा हूं। देखो सुनो अभी सब, हम क्या कर रहे हैं, हम क्लासिफाई कर रहे हैं, क्लासिफाई किसमें क्लासिफाई कर रहे हैं, समान समान वालों को एक जगह क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कितने बच्चे हैं? 20। हमने क्या कहा कि 25 में से 20 में से 20 है ना, 20 में से टीकमगढ़ के कितने हैं? 3। बस अभी एक बात समझ लो सब, तो टीकमगढ़ के 3 हो गए, तो वैसे और भी किसी स्थान के 2-3 होंगे, और पन्ना, करेली, मुझे अभी क्या कहना है, मतलब ये हुआ कि इसी एक में कितने क्लासेस बन सकते हैं, आप पकड़ रहे मेरी बात को? तो एक परमाणु में अविभाग प्रतिच्छेद समान हो ऐसे अनंत गुण एक साथ हो सकते हैं, हो सकते हैं। भले टीकमगढ़ में वो जिस मोहल्ले में रहता ये नहीं रहता हो, उसी प्रकार स्पर्श गुण के 25 गुण किसी के हुए हो और रस गुण के 25 गुण, तो वो अनुभाग अपने अपने स्तर पर समान है। अपने अपने स्तर पर मतलब वो तो रस की अपेक्षा ही है, तो स्पर्श की अपेक्षा है, लेकिन 25 समान हो गए इसीलिए वो एक क्लासिफिकेशन हो गए कि एक परमाणु में एक कैटेगरी के पाए जाते हैं और सदाकाल पाए जाते हैं, और जहां पर एक कैटेगरी के अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हो पर्यायों के उसको वर्ग कहते हैं। वर्ग मतलब होता है क्लास, आप जानते हो वर्ग मतलब क्लास, ठीक है। और आप देखिए लिखा हो तो फिर आप यहां पर ध्यान दो फिर, और हरेक परमाणु में ऐसा होना ही होना है, किसी न किसी के मैचिंग होना ही है, होना ही कि नहीं?
तो इसीलिए उपचार से फिर परमाणु को कहते वर्ग। और दूसरे समय में क्या होगा आप समझ लो, अभी दूसरे समय में हमने अपघटित करके दिखा उदाहरण, मुझे सिद्धांत आप बताओ, मैं उदाहरण घटित करूंगा। अभी दूसरे समय में क्या हुआ, आप जैसे 20 थे, तीन टिकमगढ़ के थे, तो अचानक सूर्यांश के घर से ये फोन आया पापा का कि बेटा हम हमेशा के लिए टिकमगढ़ छोड़ रहे हैं और हमें कोई ऐसा मान के चलो कोई और धर्म की विशेष नगरी होगी जहां पर विशेष धर्म होता हो, विदिशा मान के चलो, वहां के नगरवासियों ने हमको आमंत्रित किया है कि आप हमेशा के लिए यहाँ पर आइए, हमें अच्छे लोगों की आवश्यकता है, आपके होने से माहौल यहाँ का अच्छा हो जाएगा। तो ये टिकमगढ़ से शिफ्ट हो गए विदिशा, और मीनवाइल और टिकमगढ़ का जो दूसरा कोई था उनको भी घर का फोन आया और ये बोले हमको किसी कारणवशात वहां पर धर्म लाभ अच्छा मिलेगा हम सबको, तो हम वहां पर जाना चाहते हैं, हमने शिफ्ट कर दिया है। तो अभी टिकमगढ़ का कितना रह गया, एक। लेकिन सुनो, मीनवाइल क्या हुआ, ये आप शिरसागंज के हो, क्या नाम है आपका, अक्षत, अक्षत के घर से फोन आया, अरे हमें यह पता चला है टीकमगढ़ में अच्छे व्रती त्यागी रहते हैं बहुत, और वहां पर खान पान की शुद्धि बहुत है, तो हमारा टीकमगढ़ जाना नक्की हुआ है, तो ये चले गए टीकमगढ़। इस प्रकार कोई ना कोई निरंतर टीकमगढ़ का कोई एक समूह टीकमगढ़ वासियों का निरंतर बना है, फिर भले वो पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं रहे, व्यक्ति बदल गए, लेकिन समूह निरंतर बन रहा है उनका। ठीक उसी प्रकार अब इसमें कौन घटित करके दिखाएगा, परमाणु में। वाह वाह वाह, मुझे मुक्ति से कोई उम्मीद है, नहीं है बोलो। हाँ बोलो, लगाओ प्रयास करो, प्रयास करो, देखो हाथ यहां पर सबके हाथ बढ़ रहे हैं। क्षेम ऑन यू, क्षेम मतलब आपका कल्याण हो, क्षेम समझते हो, क्षेम क्षेम कुशल हो मन लो। चलो सिद्धांत कितने जन घटित करके दिखाएंगे, गजब हो गया, गजब हो गया। संदेश भी, वाह वाह, बोलो भाई संदेश, संदेश आपका ये कब फटा है पूरा, ये कोई एसी सिस्टम एयर कंडीशन सिस्टम नहीं, बहुत जन सुनो, बहुत जन गर्मी में ऐसा करते हैं, देखो मैंने ऐसा देखा है, चौका होता है ना, चौका रसोई घर, उसके दरवाजे होते हैं, तो बहुत जन क्या करते हैं, वो बाफ अंदर बाहर आती जाती रही इसलिए छेद छेद कर देते उसको। इसमें भी आपने देखा होगा, देखो उसको, वो डब्बे को छेद छेद किया है, उसी प्रकार बहुत जन कपड़ों को भी छेद छेद कर, एयर कंडीशन कोई इतना फाड़ दे एयर कंडीशन। तो बोलो भाई, ये परमाणु में अविभाग प्रतिच्छेद, उनका वो समूह ना, जो समान समान अविभाग बराबर उनका समूह बन रहता है, उनके जो गुण है वो घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन समूह तो बरकरार बना रहता है, वो बदल भी जाते हैं गुण। बराबर, कितने जन को पकड़ा, कितने जन ने? देखो अभी होगा क्या कि 25-25 थे, अब वो 25 वाला चला गया 28 की तरफ दूसरे ही समय में, और जरूरी थोड़ी ना वो दूसरा 25 वाला भी 28 की तरफ बढ़ेगा, वो बढ़ सकते 30 की तरफ या बढ़ सकते 20 की तरफ, तो अभी एक नया समूह तैयार होगा समान समानता वाला, ऐसा कोई समय नहीं जाएगा जहां पर समूह नहीं हुआ हो, इसलिए क्लासिफिकेशन निरंतर बना रहेगा, उसे कहेंगे समान अविभाग प्रतिच्छेद वाली पर्यायों को कहेंगे वर्ग, और ये परमाणु में पाए जाते हैं इसलिए परमाणु को कहते वर्ग। कितने जन ने बात को पकड़ा, ये मैच दी, ये मैचिंग करते ना, मैचिंग समान वालों को, वैसे ये मैचिंग चलता है। अभी देखिए आगे, यहां पर देखो सभा में, अभी परमाणु को हमने वर्ग कहा क्योंकि परमाणु में समान अविभाग प्रतिच्छेद वाली बहुत पर्याय है। अभी दो परमाणुओं को लो आमने सामने, फिर कभी कभी यह होता है कि दूसरे परमाणु में भी समान अविभाग प्रतिच्छेद पाया जा सकता है, तो उनका भी समानता स्थापित होती है
इसलिए वर्ग के समूह को कहते हैं वर्गणा। कितने जन ने बात को पकड़ा। और जो वर्गणा है ना, वर्गणा मतलब एक प्रकार का स्कंद ही है, फिर ऐसे कई स्कंद तैयार होते हैं कि अपने शरीर के उसमें भी समान अविभाग प्रतिच्छेद, तो वर्गणा के समूह को कहते हैं स्पर्धक। पकड़ रहे कितने जन बात को पकड़ रहे हैं। समान रुचि वाले जीव जिस प्रकार एक साथ उठते बैठते हैं ना, उसी प्रकार समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्ग, वर्गणा और स्पर्धक नाम पाते हैं। कितने जन पकड़ रहे बात को, वर्ग वर्गणा स्पर्धक। अभी हम आते हैं उस मुक्ति, अभी पकड़ रही हो बेटा संदेश ने, अच्छा पकड़ लिया संदेश को। आज मैं संदेश बेटा आप पर खुश हो गए हो। बोल मेरे आका तुम्हें क्या चाहिए, पेंसिल स्केल की पेन बोलो। ये आप बच्चे तो बहुत ही संतोषी हो, संतोष समझते हो, संतोष, संतोषी मतलब सेटिस्फाइड। किसी को भी पूछता हूँ और आपको बताना चाहिए बहुत फ्रैंकली कि हाँ मुझे ये दे दो, लेकिन आप कभी कुछ बोलते ही नहीं। आपको क्या चाहिए, पेन दे दूँ, ले लो फिर। हाँ आज अच्छा उत्तर दिया संदेश ने। आज पहली बार खाता खुला है क्या आपका? एक बार खुल चुका है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे अभी क्या कहना है कि वर्ग वर्गणा स्पर्धक, इसीलिए हमने जब प्रकृति देखी थी ना तो उसमें सर्वघाती देशघाती स्पर्धक, स्पर्धक इज नथिंग बट वो एक प्रकार का स्कंद जिसका नेचर एक समान हो। नेचर मतलब अनुभाग, फलदान शक्ति, अविभाग प्रतिच्छेद, शक्ति के अंश। क्या जैसे लता दारू अस्थि शैल समान, तो सबके समान ही हो। तो दारू अस्थि शैल तो सबके दारू अस्थि शैल संबंधी ही होंगे और ज्ञान का ही घात करेंगे तो उसको कहेंगे ये ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धक अथवा ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धक। ऐसा तो सबका कलेक्टिवली एक सरीका नेचर, वर्ग से बनी, वर्ग के समूह वर्गणा, वर्गणा का समूह स्पर्धक। पकड़ रहे सब? देखिए अब हम यहां से आप सबके सामने कुछ पढ़ के दिखाऊंगा, फिर आज का प्रकरण तो हो जाएगा। फिर देखो सबका हुआ होगा तो आप इस तरफ देखिए। मैं 274 और 75 पहले पढ़ के दिखाऊंगा, बाद में एक प्रश्न पूछने वाला हूं सबको। अभी पहले ये ले लेते हैं, अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? शक्ति के अविभागी अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। मिल रहा है? कितने जन ने बात को समझा? अनडिविजिबल, ठीक है आगे। अनडिविजिबल पार्ट वैसा नहीं लेना कि परमाणु को भी तो फिर अविभाग प्रतिच्छेद कह सकेंगे। फिर आप अविभाग प्रतिच्छेद किसका, वो पर्टिकुलर पर्याय की शक्ति का, शक्ति का। तो धर्म द्रव्य भी हो सकते हो, कुछ भी। इस प्रकरण में शक्ति शब्द से कौन सी शक्ति इष्ट है? यहां शक्ति शब्द से कर्मों के अनुभाग रूप अर्थात फल देने की शक्ति इष्ट है। यदि जीव में घटित करेंगे आप तो जीव की फिर शक्ति में घटित करेंगे। ये तो कर्म की तरफ से, तो कर्म की फलदान शक्ति ले रहे अपन। कुछ पकड़ रहे? अभी आ गया है, देखे आप। वर्ग समान अविभाग प्रतिच्छेदों के धारक प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं, ठीक है? यहां पर अर्थ क्या समझना, समान अविभाग प्रतिच्छेदों के धारक, क्या धारक? वो अनेक गुणों की पर्याय एक ही परमाणु में होती है, इसलिए प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। ओके, ऊपर वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से युक्त कर्मन वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। स्पर्धक कोई एक प्रकार का थोड़ी होता है, सब अपनी अपनी, जो ऐसा होता है ना, हॉकी की भी टीम बन गई, क्रिकेट की भी टीम बन गई, अपने अपनी रुचि के सबके ग्रुप बन गए, तो ग्रुप कोई एक ही प्रकार का थोड़ी है। स्पर्धक कोई एक प्रकार का, अनेक प्रकार के स्पर्धक ऐसे बन जाते हैं, लेकिन एक ग्रुप में समान रुचि वाले ही सब होते हैं। पकड़ रहे सब? प्रश्न पूछो, अभी सुनिए, समझे सब, हो गई है आज का तो अपना हो गया पार्ट। मेरा प्रश्न ये है,
कि सर्वार सिद्धि में ऐसा आया ग्रंथ में 272 पृष्ठ पर, अनंत अगुरु लघु गुण, उसका अर्थ क्या लेना? बोलो, अनंत अगुरु लघु गुण, उसका अर्थ क्या लेना? आप पहले लिखो चाहो तो, और फिर मुझे उत्तर दो, मैं रुकूंगा फिर उत्तर मांगूंगा। अनंत अगुरु लघु गुण का अर्थ क्या लेंगे? कितने जनों का कहना है जैसे संदेश ने बोला, अनंत गुरु लघु गुण मतलब अनंत शक्ति के अंश, ऐसा लेना। कितने जन को लग रहा है? कोई सपोर्ट नहीं, समय को, समय ने सपोर्ट किया है, ठीक है। एक हाथ और ऊपर आ गया है, सुना अभी सब, ये और एक इनाम मिलेगी इसको, ये भी उत्तर सही दे इन्होंने। जब भगवान देता है फाड़ के देता है, पहले वाले मुझे थोड़ी पता ऐसा कुछ, तो फिर आप पहले हाथ ऊपर करते तो मैं आपको पूछता, ऐसा नहीं चलेगा। तो अनंत अगुरु लघु गुण का अर्थ और कैसा कर सकता है अज्ञानी, कौन बताएगा? अज्ञानी कैसे अर्थ कर सकता है अनंत अगुरु लघु गुण का? एक द्रव्य में अगुरु लघु गुण अनंत है, ऐसा कर सकता है, जबकि अगुरु लघु गुण तो एक ही होगा। तो यहां पर इस प्रकरण में बोलो क्या महत्वपूर्ण बात आई है? अविभाग प्रतिच्छेद को, शक्ति के अंश को गुण कहा गया है। गुण के कई सारे अर्थ होते हैं, यहाँ पर गुण मतलब द्रव्य गुण परे वाले गुण नहीं लेना, शक्ति के अंश को गुण बोला जा रहा है, ठीक है। तत्वार सूत्र में भी शक्ति के अंश को गुण बोला है, जैसे एक सूत्र आया, मैं अर्थ पूछूंगा आपको अभी, आप पहले लिख लो जो लिखना, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। हाँ, पूछू, फेंक नहीं दियो यहाँ आते जाते कि क्या ये पकड़ा दिया हमको 2 रुपया का, फेंक दोगे क्या? हुआ सुनोगे? देखो मुझे अर्थ चाहिए सूत्र का, प्रकरण चल रहा है बंध का, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से बनता है, तो सूत्र ये लिखा आचार्य ने, द्वय अधिकादि गुणानाम तु, अर्थ बताओ मुझे, द्वय अधिकादि गुणानाम तु, मतलब बोलो, मतलब इन्होंने शब्दार्थ तो खोल दिया क्या? नहीं 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 नहीं, द्वय अधिकादि गुणानाम तु का अर्थ ये खोला इन्होंने, दो गुण अधिक हो तो बंद होगा, प्लस टू, डिफरेंस टू चाहिए, और खोलो कोई। यहाँ पर परमाणु से लेना देना नहीं है, दो गुण अधिक हो, वैसे गुण में से भी मतलब नहीं, क्यों गुण तो समान ही रहते आनंद, अविभाग प्रतिच्छेद को गुण बोला जा रहा है, जैसे इसके स्निग्ध के अंश 2 होंगे तो सामने वाले के 4 होंगे, बस यूनियन होगा, इसके 100 है सामने वाले के, या तो 98 हो या 101 हो, यूनियन होगा। गुण का अर्थ क्या ले रहे यहाँ पर? अविभाग प्रतिच्छेद गुण बराबर, ठीक है। अच्छा, इन्होंने प्रयास किया प्रणव ने, इसलिए इनको एक पेंसिल दी जाती है, लो भाई। प्रकरण अपना हो गया, तो हम कल से आगे का प्रकरण देख सकते हैं, वैसे कल बनेगा बोर्ड, वैसे चाहो तो दो तीन मिनट में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ आपको, जो कल हमको काम आएगी, तो भूमिका तैयार करेगी वो। देखो अभी जो हमारा प्रकरण चलना है 280 से लेकर 290 तक के प्रश्न देखने हैं हमको, 11 प्रश्न कल 1 घंटे में सेटल करने वाला हो, उसकी थोड़ी भूमिका जमा देता हूँ तो कल आपको सरल पड़ेगा। समय प्रबद्ध की परिभाषा क्या होगी? समय प्रबद्ध की परिभाषा आप मेरी तरफ देंगे, एक समय में प्रकृष्ट रूप से बंधने वाले कर्म को समय प्रबद्ध कहते हैं। क्या?
समय ये एग्जाम में आने वाला है बेटा, और ये कम से कम 4 मार्क के लिए आने वाला, 3 मार्क के लिए। इतनी सी परिभाषा। समय प्रबद्ध किसे कहते हैं? एक समय में जितने कर्म परमाणु और 9 कर्म परमाणु बनते हैं उनको समय प्रबद्ध कहते हैं। अब मैं अभ्यर्थ खोल रहा हूं। अरे जिनवानी में सब है, आप लिखो मत, ये मैं जो खुलासा करूंगा उसको लिख लेना। ऐसे क्यों बोला इन्होंने कर्म और नौ कर्म का क्यों बोला? एक समय प्रबद्ध की क्या परिभाषा करते हैं? ये एक समय में प्रकृष्ट रूप से बंधने वाले कर्म नौ कर्म को समय प्रबद्ध कहते हैं। ऐसा कर्म नौ कर्म क्यों बोला? क्योंकि प्रत्येक समय में हम कर्म भी बांध रहे, नौ कर्म भी बांध रहे। प्रत्येक समय में हम कर्म को भी खींच रहे, नौ कर्म को भी खींच रहे। ऐसा हो रहा है कि नहीं? कितने जन समझ रहे बात को? नौ कर्म वर्गणा प्रत्येक समय में आ रही कि नहीं? अरे मात्र विग्रह गति में ही नहीं आती, बाकी विग्रह गति खत्म हुई पहले समय में नौ कर्म वर्गणा, आहार वर्गणा चालू। क्यों? शरीर के बनने के लिए। सीधे 13वें गुण स्थान तक कर्म और नौ कर्म वर्गणा आते रहते योग के निमित्त से। कर्म तो निरंतर आ रहे, तो एक समय में जितने कर्म आए या जितने आहार वर्गणाएं आई उसको कहते एक समय प्रबद्ध, और वह संख्या होती है अनंत में। क्यों? कर्म एक दो थोड़ी आते परमाणु, अनंत में आएंगे कम से कम, कर्म हो या नौ कर्म वर्गणा हो। अभव्य राशि से अनंत गुना और सिद्धों के अनंत भाग, इतना अनंत है ये। एक समय प्रबद्ध मतलब कितने? अनंत। और वो अनंत भी कौन सा अनंत लेना? सिद्धों के अनंत भाग और अभव्य राशि के अनंत गुना। समझ रहे हैं आप सब? आगे बढ़ना है। प्रत्येक समय में अनंत आ रहे, अनंत आ रहे, लेकिन दूसरे ही समय में नौ कर्म वर्गणाएं तो खिरना चालू होती है, लेकिन कर्म खिरने को कम से कम अंतर्मुहूर्त जाना पड़ेगा, तुरंत नहीं खिरते दूसरे समय में। ये मैंने आपको पहले बोला था, याद आ रहा है? चलो अभी समझो मेरी बात को। ये कर्म जब खिरेगा, नौ कर्म का तो मैंने बोल रखा था दूसरे समय से खिरना चालू होता है, और जब मरण होता है जीव का उस समय में एक साथ सब खिर जाते हैं। याद आ रहा है आपको? मैंने कहा था बुढ़ापे में इनटेक होगा कम, आउटपुट होगा ज्यादा शरीर के परमाणुओं का, मैंने बोला था। और मरण के काल में पूरा आउटपुट होगा और जन्म के काल में ओनली इनपुट होगा, याद आ रहा है? अब मेरा यह प्रश्न है, ये कर्म खिरेंगे कैसे? ये बंधे तो है, ये खिरते हैं निशय का रचना क्रम में, घटते हुए क्रम में। कैसे खिरते हैं? घटते हुए क्रम में खिरते। जैसे 100 परमाणु है, पहले आपदा काल जाने के बाद पहले समय में खिरे 30, फिर 25, फिर 20, 10, 5, 4, ऐसा ऐसा करके फिनिश होते हुए घटते क्रम में, पकड़ रहे? इसे निषेक रचना क्रम कहते। निषेक मतलब खिरने वाले परमाणु हीन 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 होते होते खिरते हो। ये इतना मैंने आज आपको बता दिया, फिर कल हम चार्ट के साथ अप्रोच करेंगे पूरा। ओके, ओम नमः। कोई प्रश्न है किसी को? नहीं।